चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी की जीत पर बोले सांसद धर्मवीर सिंह, हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताया है, कहते हुए नजर आए धर्मवीर सिंह, प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, जनता चाहती है कि प्रदेश का तेजी से विकास हो। सांसद धर्मवीर सिंह ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए। एक बार फिर से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की और कहा कि रैलियां जो की गई उसका नतीजा है ये, कांग्रेस पर निशाना साधा है सांसद धर्मवीर सिंह ने। तो हरियाणा में बीजेपी की जीत पर ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए सांसद धर्मवीर सिंह, उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताया है। सांसद धर्मवीर सिंह मौजूद है सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जीत दर्ज किया है, एक और कांग्रेस जहां पर दावा करती हुई नजर आ रही थी कि लोकसभा में हाफ हुई है भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगी, किस तरीके से इस जीत को आप देखते हैं? देखिए, जहाँ सारा देश और उसी तर्ज पर हरियाणा प्रदेश, यहाँ की जनता ने आदरणीय मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, आज का खासकर युवा ये चाहता है कि हम भी एक विकसित देश की श्रेणी में कैसे आए, तो उन्होंने, और क्योंकि केंद्र में जब हमारी सरकार है, प्रांत में सरकार बनानी भी जरूरी है, कहीं हम पीछे ना छूट जाएं, इसीलिए मोदी जी की के काम पर विश्वास करते हुए दो चुनाव जो पहले हुए हैं 2014 और 2019, और दोनों लोकसभा के चुनाव हुए, तीसरी बार लोकसभा चुनाव में और तीसरी बार विधानसभा के चुनाव में 2014 और 19 से ज़्यादा वोट परसेंटेज और सीट दी हैं, ताकि हम हमारी रफ्तार और तेज़ी से आगे हो। सर, आप काम का जिक्र कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, मोदी जी के नीतियों पर वोट मिली है, वहीं कांग्रेस का दावा है कि काम पर नहीं, नीतियों पर वोटिंग नहीं मिली है, वरना ईवीएम के साथ कुछ चीजें की गई है जिसके वजह से, तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से इसे आप देखते हैं? पता नहीं ये कैसे देख रहे, तो फिर क्या श्रीनगर में ईवीएम नहीं थी? कहना है उनका कि एक राज्य में जिता देते हैं, तीन राज्य में हरा देते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। ये बड़ी ऐसी बात कर दी, जब कभी भी जब लोकसभा के चुनाव थे तो हम हमारी सीट घटी, उनकी सीट कई जगह जीती, तो कहते हैं कि ईवीएम ठीक है, अगर ईवीएम ही गड़बड़ थी तो हम 400 पार भी ले जाते। ये पता नहीं कौन सी भाषा है उनकी, वो उनकी सोच है, आम आदमी की नब्ज को नहीं पहचान पा रहे, वो दिल्ली में बैठ के इस प्रकार की बातें करते हैं। 16 तारीख को विधायक दल की बैठक होने वाली है, ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह, मोहन यादव पहुंचने वाले हैं, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, कैबिनेट गठन होगा, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ चीजें एक सरप्राइज हरियाणा की जनता के लिए आने वाला है? नहीं नहीं, माननीय अमित शाह जी, तीनों लोकसभा चुनाव हों या तीनों विधानसभा चुनाव हों, चुनाव के अंदर वो हर लगभग हर लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं, और उसी लिहाज से वो अब 17 तारीख को जा रहे हैं, लोगों को भी खुशी है, और साथ में जो नए विधायक बने हैं उनको भी एक दूसरे से बात करने में और उनसे मिलने का मौका मिलेगा, बड़ी खुशी है। प्रदेश की जनता चाहती है कि हम तेज, जो पिछले 10 साल में काम किया है उससे भी ज़्यादा तेजी से इस प्रदेश का विकास हो। 17 तारीख को स्वेरिंग सेरेमनी है, आप मौजूद रहेंगे? बिल्कुल। तो ये थे धर्मवीर सिंह, हम सुन रहे थे ने सांसद धर्मवीर सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है।